जय माता दी। हिंदुस्तान सभ्यता और संस्कृति की महान भूमि है। हमारे देश में माता के तीन रूप मुख्यतः पूजे जाते हैं। एक माता जो कितने कष्टों को झेलकर जन्म देती है, वहीं दूसरी माता जन्मभूमि, जिसकी धूल मिट्टी में खेलकर हम बड़े होते हैं, और तीसरी माता के रूप में गौ माता जानी जाती है, जिन्हें साक्षात नारायण के रूप में माना जाता है। आज विडंबना है, या इसे इस युग का अभिशाप कह लीजिए, पूजनीय गौ माता अनगिनत संख्या में रोज बेरहमी से काटी जाती है। जाने क्या क्या जुल्म दिखाए जाते हैं हमारी गौ माता पर। गौ माता कहती है, बिलखती है, पीड़ा से कहती है, परंतु कुछ लोग अपनी घिनौनी मानसिकता के लिए उसे अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कथा को हरिशंकर उपाध्याय के सुमधुर स्वर में। भारत के इस तप भूमि पे गैया माता करे पुकार, पालन करती दूध पिलाती, फिर तुम रहे मुझे क्यों मार, पालन करती दूध पिलाती। पूजन के काम बेच कसाई के हाथों तुम, कितना कमा लेते हो दाम, बेच कसाई के हाथों तुम। चार दिन तक भूखा रखते कर देते हैं जारू बेजार, उल्टा टांग बांध पैरों को, गरम भाप देते हैं दार, उल्टा टांग बांध पैरों को। खिंच लेते हैं जिंदा चाम, आह वेदना विरह वेदना, आओ मुझे बचा लो राम, आह वेदना विरह वेदना। धिकार मुझे बचा लो मेरे बेटों, गैया माता करे गुहार, मुझे बचा लो मेरे बेटों। कर जागा कर गीत है रहा चुका है राजा रजत, इस भजन को लिख कर सब भक्तों को दिया बताए, राजा रजत इस भजन को लिख कर। भारत के इस तप भूमि पे गैया माता करे पुकार, पालन करती दूध पिलाती,
फिर तुम रहे मुझे क्यों मार, पालन करती